Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. In halat mein main bazaat khud huzur mujahide millat ki zyada zarurat mehsoos karta hu. Agar aaj hamare darmiyan huzur mujahide millat maujood hote to aaj Hindustan ke musalmanon ka ye haal na hota ki jab mukhalif quwwatein पार्लियामेंट में पहुंच करके मुसलमानों के खिलाफ कानून तैयार करें उस वक्त हम कायदे से एहतजाज भी ना कर सकें और हमारा हमारी इज्तमाइयत बिल्कुल पारा पारा हो चुकी हो और हिंदुस्तान के मुसलमान आलमी पैमाने पर एक तमाशा बन गए। ये सब जब हालात हमारे सामने आ रहे हैं और जब पूरी कौम क़यादत का रोना होती है तो फिर हमें हुजूर मुजाहिदीन की याद आता है। अगर हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत होते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत की आज और ज्यादा याद रखो कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हम इसलिए सताए जा रहे हैं कि हम अल्लाह वहदहु ला शरीक के मानने वाले हैं, हम उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम इस्लाम के नाम ले वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया वमा नकमू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिललाहिल अजीजिल हमीद। इन लोगों को क्या बुरा लगा, इन लोगों को क्या बुरा लगा, यही तो कि ये लोग यानी हम लोग अल्लाह अजीज हमीद पर ईमान लाते हैं। वो या आलमी मुसलमानों का इन लोगों के नजदीक जुर्म यह है, हमारा जुर्म यह है कि हम अल्लाह वहदहुला शरीक का नाम लेते हैं, हम रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, हम एक कुरान के हामिल हैं, इसको जुर्म बना दिया। मुझे याद है कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हल्फ लिया तो जो सबसे पहला काम उन्होंने किया वो क्या किया, दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं उनमें से 7 मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री के जितने भी मुसाफरीन पे थे उन पर बैन लगाया। ये 7 मुसलमानों के मुल्क इन ममालिक से कोई शख्स अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकता, ये सबसे पहला काम किया। इससे क्या मैसेज दुनिया में गया कि इन 7 मुल्क से आने वालों का जुर्म क्या है सिवाय इसके कि वो कलमे इस्लाम पढ़ते हैं। कलमे इस्लाम पढ़ते क्या इस दुनिया पर तुम दुनिया के सामने मुसलमानों का तमाशा बनाना चाहते हो? वो अल्लाह का नाम लेते, वो वहदहु ला शरीक की इबादत करते, वो रसूल का कलमा पढ़ते। मगर मुसलमानों मैं यही ये भी कहना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वमन यत्तकिल्लाह रब्बहु यजअल लहु मखरजा वयरजुहु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह अपने पालनहारे हकीकी का तक्वा अपने दिल में सजा ले अल्लाह उसके लिए मखरज रास्ता। ये मुसलमानों के अंदर ये जुर्रत और हिम्मत नहीं है, अल्लाह अपने करम से हमारे कलमे इस्लाम की लाज रखता है। पूरी दुनिया के सबसे बड़े यानी सुपर पावर और सबसे ज्यादा ताकत रखने वाले शख्स ने जब 7 के मुसाफरीन पर बैन लगाया तो वही अमेरिकी आवाम उसके खिलाफ खड़ी हो गई और अमेरिकी एयरपोर्ट पे मजमा लग गया एहतजाज में कि ये 7 मुसलमान हो या कोई भी हो इन पर कोई पाबंदी नहीं। ह्यूमन राइट्स वॉच के लोग वहां आकर के खड़े हो गए और सदर ट्रंप के इस फैसले एग्जैक्टली वाटर वो पर मुझे याद है
कि उस मौके पे मुसलमानों ने नहीं नॉन मुस्लिम अमरीकियों ने वहां की अदालतिया और सिविल कोर्ट में सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर इश्तिहार दिया, उसको कोर्ट में चैलेंज किया और उसका नतीजा यह हुआ कि सिविल कोर्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर बैन लगा दिया। कहां गई सुप्रीम पावर? तो इसका मतलब यह हुआ कि मुखालिफीन इस्लाम सिर्फ हमारी कलमा गोई से बैर रखते हैं। मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि जब यहां पर चंद मुल्कों में जुल्म के शिकार लोगों के लिए मुर्बत का मुजाहरा करना हुआ तो आप इस तरह का कानून बनाते हो कि अगर आकर के वो कह दे कि हम हिंदू हैं तो फिर कबूल है, अगर आकर के वो ये कह दे कि जैन है तो हम कबूल है, अगर आकर के वो ये कह दे कि पारसी है तो कबूल है, अगर आकर के कह दे कि बौद्ध है तो कबूल है, अगर आकर के कह दे कि यहूदी है तो कबूल है, अगर आकर के कह दे क्रिश्चियन है तो कबूल है, अगर वो कह दे कि मुसलमान है तो कबूल नहीं है। ये मुसलमानों से इतनी जलन क्या है कि क्या मुजाहरा है, किस बात का, किस जज्बे का मुजाहरा किया जा रहा है? क्या ये आयत करीमा खुल करके सामने नहीं आ गई कि वमान अकलु मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिललाहि अल-अलील हमीद? ये अल्लाह वहदहु ला शरीक पर ईमान ही इनको बुरा, यही वजह है कि मुसलमानों के खिलाफ इस मुल्क में जिस तरह का माहौल गर्म किया जाता है यही नाम लिया जाता है कि ये लोग एक अल्लाह वहदहु ला शरीक का कलमा पढ़कर, कलमा भी यूं पढ़ते हैं कि पहले सारे माबूदों को रिजेक्ट करते हैं, पहले अल्लाह की वहदानियत साबित नहीं करते, माबूदाने बातिल को पहले कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद अल्लाह तआला की रुबूबियत का इकरार करते हैं। यही तो तकलीफ है, यही तकलीफ है। मगर सुनो मुसलमानों, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करें तो पता चलेगा हमें किसी बात से दबने की जरूरत नहीं है। यही वो चीज है कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने हमें मैसेज दिया कि दीन के मामले में कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान का के हालात बहुत ही ज्यादा अबतर हो चुके हैं, हमारे बका पर सवाल लग चुका है, हमारी इज्जत पर सवाल लग चुका है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने किस माहौल में कहा था, किस माहौल में कहा था कि अगर ये लोग एक हाथ में सूरज ला करके रख दें और एक हाथ पर चांद ला करके रख दें और मुझसे ये कहें कि जिस मिशन को लेकर के आए हैं उस मिशन को तय कर दें तो पता की रसम ये नहीं है, क्या ये वही रसूल नहीं है? क्या ये वही रसूल नहीं है कि गलब है इस्लाम के जमाने में जब कोई बंदा आता और कहता कि यार रसूलुल्लाह मैं इस बात पर ईमान लाने के लिए तैयार हूँ कि पांच नमाजें नहीं सिर्फ दो नमाजें, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तशरीई इख्तियारात का मुजाहरा करते हुए कहते चलो दो नमाजों पर मैंने तुम्हारे इस्लाम को कबूल किया। क्या ये वही रसूल नहीं है जब गलबे इस्लाम के माहौल में कोई ये कहता है कि मेरे पास कुर्बानी के ज़बह के लिए छह महीने से के अलावा कोई और जानवर नहीं है तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने तशरीई इख्तियार का मुजाहरा करते हुए कबूल करते हैं और फरमाते हैं कि चलो तुम अगर इस जानवर को ज़बह करोगे तो तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारे बारे में जिंदाबाद जिंदाबाद। किस कदर कंप्रोमाइज कर रहे हैं, किस कदर इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ये गलबे इस्लाम की बात नहीं है, उस वक्त की बात है जो मक्की दौर है जब जालिम जुल्म करते थे सिर्फ मुसलमानों पर इस्लाम की वजह से जुल्म करते थे, उस वक्त मौके पर रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऑफर दी गई कि बस अगर आप अपना मिशन चलाना चाहते तो चलाएं, सिर्फ इतना कंप्रोमाइज कर लें, सिर्फ इतनी बात के लिए तैयार हो जाए कि हमारे बुतों को बुरा न कहें, इतनी बात के लिए तैयार हो जाए कि हमारे बुतों को बुरा न कहें।
حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج لا کر کے رکھ دیا جائے اور پھر مجھ سے یہ کام کہا جائے کہ اس کے ساتھ میں نہیں لے جانے آتی, میں نہیں کبھی کرتا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے معاملے میں کوئی مانا کہ ملک کے حالات ابتر ہیں اور ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ بندہ اگر یہ کہہ دے کہ ہندو ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا اور اگر یہ کہہ دے کہ مسلمان ہے تو قبول نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب ماحول بنایا جا رہا ہے, یہ نئی شخصی تحریک چل رہی ہے, یہ نئے انداز سے گھر واپسی کا معاملہ کیا جا رہا ہے. مگر مسلمانوں کوئی حالت کوئی ضرورت کوئی حاجت نہیں ہے, ہم دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والے. یاد رکھو مسلمان اس ملک میں اجتماعیت سے محروم ہو چکے ہیں, افتراق و انتشار کا نمونہ بن چکے ہیں. مگر اگر تم نے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھا تو ہندوستانی قوم تمہاری حمایت میں کھڑی ہوئی ہے. ہم نے دیکھے ہیں یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے. اسلام کے غلبے کے بعد ظلم و ستم کی داستان کربلا سے شروع ہوتی ہے. پہلا جو عالم اسلام پر پہلا حملہ ہوا ہے, مسلمانوں پر پہلا ظلم جو ہوا ہے اس کی داستان کا آغاز کربلا سے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ حسینیت زندہ ہوئی, یزیدیت مردہ ہوئی. اس سے اب تر حالات آئے جبکہ دیکھا گیا کہ بغداد میں ہلاک ہوا اور اس کی فوجوں نے بغداد کے تمام مسلمانوں کو تہو بالا اور نیست و نابود کر دیا. اور عالم یہ تھا کہ صرف مسلمانوں کو ذبح نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کے ان کے وراثت سے محروم کرنے کے لیے ان کے تمام علم ورثے کو ختم کر دیا. یہاں تک کہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہلاک خان کی فوجوں نے مسلمانوں کی لائبریری کی کتابوں کو جلا کر کے خاکستر کر کے دجلے کے حوالے اس طرح کیا کہ دجلے کا پانی سیاہ ہو گیا. یہ عالم ہوا, کتنا بڑا ظلم کیا عالم اسلام کا. مگر پھر کیا ہوا؟ پھر بغداد ہوا, پھر بغداد ہوا اور شاندار انداز میں ہوا اور اسلام کا مرکز بنا. اور یہ سلسلہ جاری ہوتا تھا. ہم نے دیکھا اور تاریخ میں پڑھا اسپین کی سرزمین پہ سے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی, مگر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. ایک دباؤ گے دوسرے چلاتے ابھرے گا. اس لیے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری اپنے شعور کا امتحان ہے, ہمارے امتحان ہمارے ایمان کا امتحان ہے, ہماری آزمائش ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا کہ وہ مَن یَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اگر اپنے لیے راہ چاہیے تو ایمان کو مضبوط کرو, اپنے دل میں تقویٰ سجاؤ. ٹھیک ہے ہماری بازی کی کامیاب نہیں ہو رہی ہے, ہمارے اندر اجتماعیت نہیں ہے, قیادت کا فقدان ہے, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, بہت سارے مسائل تو وہ ہے جو ہم حل بھی ہمارے پاس نہیں ہے. یہی تو میں نے کہا کہ ہماری پوری قوم آج شکست کرتا محسوس ہوتی ہے اور اس لیے زیادہ مجاہدین ملت ہمیں یاد آتا ہے. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ حضور مجاہدین ملت کے بعد ہماری پوری قوم سیاسی بصیرت سے محروم ہو چکی ہے. لیکن ہم اپنے اندر سیاسی بصیرت نہ پیدا کر سکے کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایمان کو مضبوط کریں, اللہ رب العزت پہ توکل کریں, اللہ رب العزت پہ توکل کریں. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا افحسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مسّتهم البأساء والضراء فزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. یہ دیکھیں کیسے کیسے حالات اہل ایمان پہ گزرے, یہاں تک کہ انبیاء کرام کی موجودگی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں. یہ آج کے مسلمانوں کے لیے کھلا میسج ہے. ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ گوشت کھانے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے, ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ جمعے کی نماز میں حاضری ہو جاتے ہیں, ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے, ہمارے کپڑے مسلمانوں جیسے ہیں. مگر
कितना ईमान है, ईमान के हाथ में मजबूती क्या है, हमारी आवाज कैसी है, हमारा तशक्कुस कैसा है। कुरान करीम में फरमाया आसिफ से मन का पुनर जन्ना, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वला मा यादकुम मतलब الذين قالوا من قبلكم, हालांकि अब तक उन जैसे हालात आए ही नहीं जो हालात उनसे पहले वालों पर गुजर चुके हैं। मसतहुम البأساء والضراء, उन पर बड़ी सख्तियां पहुंची, बड़ी शिद्दतें उनके साथ बरती गई। इतनी सख्तियां और शिद्दतों का सामना उनको करना पड़ा कि उनको उनको हिलाया गया, इतना हिलाया गया कि हत्ता यकूल रसूल वल्लज़ीन आमनू मअहु, यहां तक कि रसूल और रसूल के असहाब अहले ईमान अल्लाह की बारगाह में फरियाद करके कहने लगे मता अल्लाह की मदद कहाँ है, कब आएगी, कब आएगी। अल्लाह ने सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है, ये मैसेज है आज के स्टेज से। हालात का सामना तो करना पड़ेगा, जरूर जरूरी होगा, मस्जिद मुल्क आसान मतलब भी होगा, और हम देख रहे हैं हम इन हालात का सामना कर रहे हैं। आज मुसलमानों को इन हालात का सामना है, मगर हमें दीन के मामले में कोई कम्प्रोमाइज नहीं करना, अपने तशद्दुद के मामले में कोई कम्प्रोमाइज नहीं करना। अल्लाह ताला ने फरमाया अला इन्ना नसरल्लाहि करीब, बेशक अल्लाह तबारक व तआला की मदद करीब है। सुनो, इस्लाम को कोई ताकत नहीं बता सकती, मुसलमानों को कोई ताकत नहीं बता सकती, क्यों, इसलिए मुसलमान कुरान को मानता है। आप कहो कि पता नहीं कहा मुसलमानों के बल की जिम्मेदारी दी गई थी, कुरान की जिम्मेदारी तो नहीं गई, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं गई, कुरान को ख्याल में तक नहीं जा रही, तो जब कुरान तो कुरान के मानने वाले बाकी रहेंगे। मुसलमानों तुम अपनी इज्तिमाई का मजाए करो ताकि तुम्हारी शान और शौकत दुनिया के सामने जाहिर हो, और अगर तुम इज्तिमाई का मजाए नहीं करोगे फिर अल्लाह तआला का मतलब तुम्हारा ही होगा। जिन्होंने अपनी इज्तिमाइयत के जरिए दीन को इज्जत बख्शी थी, चुनांचे हमें तो वो रिवायत भी मिली कि जब छुप छुप करके इस्लाम की तबलीग होती थी, हजरत हमारे फारूक रजी अल्लाह तआला के बारे में रसूल करीम अलैहि सलाम यूं दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा अइज़ इस्लाम व बी उमर, ऐ अल्लाह उमर के लिए इस्लाम का इज्जत अता फरमा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद कहते हैं कि मा कुन्ना मा ज़िन्ना इज्जतन मुंज़ अस्लम उमर, जब से उमर इस्लाम के अंदर तमाश हो गए उसके बाद से इस्लाम की इज्जत का जमाना हो गया, इस्लाम की इज्जत का जमाना हो गया। तो है यह भी बदा इस्लाम करीबन वसयूद करीबन अल्लाह तआला, ये तो है इस्लाम गुरबत के आलम में, ज़ोफ़ के आलम में, अजनबियत के माहौल में इस्लाम का आगाज हुआ, और यही इसी तरह से अंजाम भी होगा। इस्लाम का गलबा हुआ, ये गलबा गलबे हुज्जत है, और गलबे हुज्जत क़यामत तक कायम रहेगा। मुसलमान असलहो के में, फौजी कुव्वत में, सियासी कुव्वत में, मुमलकत की कुव्वत में कमजोर रहे, कमजोर ये हो सकता है, लेकिन हुज्जत और दलील के मामले में मुसलमान कमजोर नहीं है, और जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की हिफाजत फरमाएगा। तो मेरा काफी मकसद ये है कि हम हिंदुस्तान में आज देख रहे हैं तियारत का मामला हो रहा है, हमारे दरमियान हुजूर मुजाहिद अहमद नहीं है, हुजूर अल्लाह कादी रहमतुल्लाह का हमारे मामले में नहीं है, मगर उनकी पूरी सीरत से हम नहीं पहला अगर हुजूर मुजाहिद अहमद ने अपने जमाने में जैसा समझा मुनासिब काम किया पेश कर दी थी, लेकिन क्या बात पर मुसलमानों के लिए तहरीक पाकिस्तान में आपने क्या सबसे शेष वाली तंजीम सब के लिए गए मुसलमानों, हुजूर मुजाहिद अहमद के नाम ले आओ, उनसे मोहब्बत करने लाओ, जरा अपने गरीबान में
क्या हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दाम से सच्ची वाबस्तगी है? अगर ये सच्ची मोहब्बत हो तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत को आगे बढ़ाना होगा, उनके मिशन को आगे बढ़ाना होगा, उनकी तहरीके खालसाने हक को आगे बढ़ाना होगा, उसमें जिंदगी की रूह होगी। अगर हुजूर मुजाहिद मिल्लत के इन दो जज्बों को आगे बढ़ाया गया, इसको सरगर्म किया गया, इसमें लोगों को शामिल किया गया, तो आज देखेगी क्या हो रहा है। इसलिए मैं आज ये महसूस करता हूँ कि इस वक्त की पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि दोनों तरीकों को पकड़े और आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, मुतालबा करें बुजुर्गों से कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दोनों तरीकों को आगे बढ़ाया जाए, रजाकारों को शामिल किया जाए, इतना तक नहीं सिर्फ ये होश का मजमा बल्कि जहां जहां से लोगों को कैसे होगा, इस तरह नहीं होगा, पूरे मुल्क में रजाकार तैयार करने पड़ेंगे, लोगों को शामिल करना पड़ेगा, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत से असल सबूत है। और अगर ये नहीं कर सके फिर तो हम लोग नारा लगाने का मौका है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर ये किया गया तो हमारा खाना ये मेरा मैसेज है, और इसीलिए मैं फिर अपनी बात करना चाहता हूँ कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान आज के मुसलमानों की आवाज़ है, वो एक इस्लाम की तहरीक का नाम है, वो मर्द मुजाहिद जब तक दुनिया में रहा उसने मुसलमानों की इज्जत को नीलाम में नहीं दिया, मुसलमानों की इज्जत को उन्होंने नीलाम होने नहीं दिया, किसी को मुसलमानों की तरफ आग उठाने की जरूरत नहीं होनी थी, वो रही से आग नहीं सकते, वो चाहते तो अपने महल बनाकर आसूदगी के साथ रह सकते थे, दाले आयश के थे, मगर उसके बावजूद उनकी जिंदगी का मुताला करो, कितनी बार उन्होंने जेल की सजा अपनी जिंदगी गुजारी है, धक्के खाए ट्रेनों में धक्के खाए, क्या है ये नारे नीम शबीर, ये आपके लिए, ये मुसलमानों की इज्जत के लिए है, मुसलमानों के वकार के लिए, इस्लाम के इज्जत और वकार के लिए है। तो ऐ हुजूर मुजाहिद मिल्लत के चाहने वालों, हमारी मोहब्बत का तकाजा है कि उनके मिशन को हम ले, उनके दामन को हम ले, उनके आए नौ के लिए बसेद हो जाए कि हम किसी ना किसी तरह जैसा भी मुमकिन होगा हम इन दोनों तरीकों को आगे बढ़ाएं, ये तहरीक चले कि आगे अगले साल दुनिया देखे, हिंदुस्तान का कोना कोना देखे कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत की तहरीक हर तरफ सरगर्म नजर आ रही है, और उसके बाद हमें ये शिकवा ना हो कि फला एहतजाज में जो है जनाब चंद लोग आए थे, फला एहतजाज को तशद्दुद का निशाना बना दिया गया, फला मजमे में गैर लोग शामिल होकर उन्होंने तशद्दुद का मामला किया और मामला मुसलमानों पर आ गया, ऐसा दिन इसीलिए देखना पड़ रहा है कि हमारे दरमियान दही के साथ सारा हक नहीं मिली, इसलिए मुझे पता चला है कि आए नौ, मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।